अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में पढ़ा और हमारा यूनिट 21 पे उसमें नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है मैथ्स इफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जीज। ये एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि जो न्यूक्लियस है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक प्रोटॉन से और एक न्यूट्रॉन से, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी न्यूक्लियस में और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब इकट्ठा किया जाएगा तो जिन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं तो उन्हीं से बनेगा न्यूक्लियस। अब सोचने की बात यह है कि फर्ज किया एक हमारे पास प्रोटॉन है मिसाल के तौर पर और एक हमारे पास न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का भी कुछ मैच होगा और न्यूट्रॉन का भी कुछ मैच होगा। हम क्या करते हैं, हम जब इन दोनों को टू मेक अ न्यूक्लियस कंबाइन करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमारी कॉमन सेंस ये कह सकती है कि जितना इन दोनों का अलग अलग मैस था न्यूक्लियस का मैस उसका सम होना चाहिए क्योंकि न्यूक्लियस इन दोनों से मिलके बना है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, साइंस, मेजरमेंट्स कुछ अलग चीज जो है वो हमें इसके बारे में बताती हैं और वो ये है कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग थे तो जो उनके मैसेज थे न्यूक्लियस बनने के बाद जो मैस हमने उसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व किया वो उनसे कम था। यानी मिसाल दे रही हूँ, एक मिसाल है बिल्कुल, इसको एग्जैक्ट नहीं कंसिडर करना फिगर्स के हवाले से, मिसाल के तौर पर ये टू और ये भी टू है नंबर में। तो हमारी सोच क्या कहेगी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हमने जब जमा करके न्यूक्लियस बना दिया है तो मैस को क्या हो जाना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल मैस ऑफ न्यूक्लियस को हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो फोर से क्या हुआ, कम हुआ। वो जो कमी आई है मैस में, मैस ऑफ न्यूक्लियस में, हम उसको कहते हैं मैस डिफेक्ट। डेफिनेशन देखिए, द डिफरेंस इन एक्सपेरिमेंटल मैस ऑफ न्यूक्लियस एंड टोटल मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कौन न्यूक्लियॉन्स, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो हमने इकट्ठे करके न्यूक्लियस बनाया है उसकी बात हो रही है, इज कॉल्ड मैस डिफेक्ट। अब इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसकी तरफ चलते हैं। हम किसी भी एटम में मौजूद तमाम प्रोटॉन्स की जो तादाद है उसको जेड से जाहिर करते हैं, तमाम न्यूट्रॉन्स की तादाद को हम एटॉमिक नंबर में से अगर ये अपना प्रोटॉन नंबर माइनस कर दें तो हमारे पास न्यूट्रॉन की तादाद आ जाती है, हम इसको कैपिटल एन से भी शो कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास होगी प्रोटॉन की तादाद, ये हमारे पास होगी न्यूट्रॉन की तादाद, ये हमारे पास एक प्रोटॉन का मैस है एम पी, एक न्यूट्रॉन के मैस को हम क्या कह देते हैं एम एन। अब सारे जो आपके पास एटम है उनमें ऐसा तो नहीं है कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन हो। अब मिसाल के तौर पे आप ब्रिक्स की बात करते हैं, हम कि एक ब्रिक या एक ईंट फर्ज किया है जी 5 kg, मिसाल ले लें 2 kg, तो अगर वहाँ पे 10 ब्रिक्स हैं तो आप 10 से उसका मैस क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। बिल्कुल यही काम आप करते हैं कि अगर हमने प्रोटॉन का टोटल मैस लेना है तो किसी पर्टिकुलर एटम में उसकी तादाद से के मैस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो टोटल मैस ऑफ प्रोटॉन बनेगा z टाइम्स ऑफ मैस ऑफ प्रोटॉन, टोटल मैस ऑफ ऑल न्यूट्रॉन बनेगा a माइनस z टाइम्स ऑफ मैस ऑफ न्यूट्रॉन। वंस अगेन आप इसको n टाइम्स मैस ऑफ न्यूट्रॉन भी लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन की तादाद को एक न्यूट्रॉन के मैस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास सारे के सारे न्यूट्रॉन्स का मैस आ जाएगा। ये स्मॉल n और ये आपको इसी सब्जेक्ट में न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ये है मैस ऑफ न्यूक्लियस। कौन सा मैस ऑफ न्यूक्लियस, जो एक्सपेरिमेंटल मैस ऑफ न्यूक्लियस में ये किया गया ये वो है। लिहाजा अगर मैस इफेक्ट की डेफिनेशन की तरफ देखें, मैस इफेक्ट को डेल्टा एम एन ये जो फर्क आया मैस में उसको मैस इफेक्ट कहते हैं, तो चेंज इन मैस टू मैस इफेक्ट को इस तरह से लिखेंगे कि न्यूक्लियॉन्स का टोटल मैस आप ऐसे कह सकते हो ये किसका मैस है न्यूक्लियॉन्स का, उसमें से किसका मैस माइनस कर दें न्यूक्लियस का, एक्सपेरिमेंटल मैस ऑफ क्या माइनस कर दें न्यूक्लियस। मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या है, मैस ऑफ प्रोटॉन्स इनटू जी, मतलब टोटल मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मैस ऑफ न्यूट्रॉन, ये मिलके क्या बना सारे जो न्यूक्लियॉन है या न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स हैं उनका मैस, उसमें से हमने एक्सपेरिमेंटल मैस ऑफ न्यूक्लियस क्या कर दिया है जी माइनस कर दिया है। आप इसको ए माइनस बी को वन से लेना देख सकते हैं, हमारे पास मैस डिफेक्ट की जो इक्वेशन आई वो आई z times mass of proton plus n times mass of neutrons minus experimental mass of nucleus, इन दोनों को प्लस करें और एक्सपेरिमेंटल मैस ऑफ न्यूक्लियस को उसमें से माइनस। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो
एक्सपेरिमेंटल मैस हमने कहा कि कम है और वैसे भी न्यूट्रॉन्स का मैस ज्यादा है, तो वो मैस दिया कम है। इसका जवाब जो है वो इस बात में है कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो थे वो अपनी आइसोलेटेड स्टेट्स में थे, जब वो अलग थे तो वो अपनी उनके पास एनर्जी की मिकदार काफी थी क्योंकि उस टाइम पे वो बाउंड नहीं। जब आपने उनको न्यूक्लियस के अंदर इकट्ठा किया तो अब ये एक बाउंड सिस्टम बन गया है। और हमेशा याद रखिए कि जब भी ये पार्टिकल्स अनबाउंड सिस्टम से बाउंड सिस्टम में आते हैं तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है, वो अपनी एनर्जी की लोएस्ट स्टेट पे उस टाइम पे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अनबाउंड प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इकट्ठे होकर बाउंड हुए, उन्होंने न्यूक्लियस बनाया तो उन्होंने एनर्जी रिलीज की। वो एनर्जी कहाँ गई, हम इस चीज़ का जवाब हमें आइंस्टाइन की इक्वेशन देती है जिसको हम कहते हैं E=mc2, कि वो जो एनर्जी थी वो दरअसल उस मैस की कॉस्ट पे ही हमें मिली। इसीलिए मैस में क्या आई है, कमी आई है। यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट चीज हमारे पास है मैस इफेक्ट पर न्यूक्लियन, यानी हम ये देखना चाहते हैं कि अगर फर्ज किया हमने 7-8 प्रोटॉन 7-8 न्यूट्रॉन इकट्ठे किए हैं और हम कहते हैं कि उनकी वजह से मैस में एक्सपेरिमेंटल मैस में कमी आई उनको इकट्ठा करने की वजह से, तो एक एक को इकट्ठा करने में इकट्ठा करके लाने में अलग अलग कितना जो है वो मैस इफेक्ट हमारे पास आया है, उसको हम कहते हैं मैस इफेक्ट पर न्यूक्लियन। मैस इफेक्ट पर न्यूक्लियन इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द मैस इफेक्ट बाय मैस नंबर। सिंपल सी बात है, मैस इफेक्ट है पर न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन से मुराद है कि उसमें कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद की समेशन क्या कहलाती है हमारे पास एटॉमिक मैस नंबर कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, मैस इफेक्ट हमारे पास पर न्यूक्लियन क्या होता है, इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द मैस इफेक्ट, ये जो आपके पास मैस इफेक्ट आया इसको किससे डिवाइड करते हैं, मैस नंबर से। ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, एटॉमिक मैस नंबर से। तो ये हमारे पास आएगा मैस इफेक्ट पर न्यूक्लियन। इसको वैसे एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूँ, इसको पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं, या आपने जो एनर्जी यूटिलाइज करनी है टू बाइंड। अच्छा जी, ये हमारे पास एक ग्राफ है जो हमने बनाया है बिटवीन चार्ज नंबर जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में देखें, हाइड्रोजन के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ गया है, फिर कम होते होते बेरियम हीलियम कार्बन ऑक्सीजन और यहाँ पे हमारे पास मिनिमम है, और फिर दोबारा से ये जो हमारा इसका ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है यूरेनियम। अब जैसा कि हमने बात की कि ये जो मैस था ये गया कहाँ पे, तो ये कहाँ पे गया, जिसको हमने कहा था कि इसको जोड़ने में लगा हुआ है उसी का नाम था बाइंडिंग एनर्जी। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी द मिसिंग मैस दैट इज मैस डिफेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। यानी ये वो वाला मैस है जो मिसिंग मैस था, जो वहां पे हमें एक्सपेरिमेंटल मैस कम महसूस हुआ कम लगा, वो मैस कहां गया, वो मैस कन्वर्ट हो गया मिसिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस में, और उसको हम क्या कह रहे होते हैं बाइंडिंग एनर्जी। या इसकी एक और भी डेफिनेशन इस चीज को भी ध्यान में रखें कि जितनी एनर्जी हमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इकट्ठे करने के लिए चाहिए थी उतनी ही एनर्जी अगर हम उनको अलग करना चाहते हैं तो उतनी एनर्जी हमें चाहिए होगी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। हमारी बड़ी फेमस इक्वेशन है मॉडर्न फिजिक्स में आइंस्टाइन की एनर्जी मास इक्वेशन, उसकी तरफ चलते हैं ताकि हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल सके। E इज इक्वल टू mc2। बाइंडिंग एनर्जी के लिए हम कर लेते हैं ये मैस इफेक्ट रिड्यूसेस, तो मैस इफेक्ट का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, g टाइम्स मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी n टाइम्स मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस एक्सपेरिमेंटल मैस ऑफ न्यूक्लियस। मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे हम इसको, c2 से c क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट है, c2 को आप इन तमाम फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बाइंडिंग एनर्जी की इक्वेशन है। यानी किसी भी आप एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी किसी इक्वेशन को यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एक मिसाल लेते हैं हीलियम 4-2 की, जिसमें हमारे पास 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स हैं। मैस इफेक्ट की इक्वेशन यूज करें, z टाइम्स मैस ऑफ प्रोटॉन्स प्लस n टाइम्स मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स
4 एटॉमिक मास यूनिट। अब हम इसको किलोग्राम में अगर लेके जाना चाहते हैं, हमें पता है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1.66 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। हम इस एटॉमिक मास यूनिट की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास मास है तो किलोग्राम में आएगा बेटा वो आएगा 5.03 × 10⁻²⁹ किलोग्राम। ये हमारे पास मास इफेक्ट आया है, अभी हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी नहीं आई, तो अगर हम इससे बाइंडिंग एनर्जी निकालना चाहें तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें सी स्क्वायर से, क्योंकि हमने क्या देखा कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है, मास इफेक्ट टाइम्स सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है 3 × 10⁸, उसका स्क्वायर ले लें तो आपके पास जाउल में यानी ये किलोग्राम, यहाँ यूनिट मास का क्या है किलोग्राम, यहाँ पे इसका मीटर पर सेकंड था, तो ये आपके पास इसका जब आप स्केयर होगे तो मीटर स्केयर पर सेकंड स्केयर किलोग्राम मीटर पर सेकंड आपके पास आने जाए न्यूटन, और ये आपके पास एक मीटर में एम जो है न्यूटन मीटर से आपके पास यूनिट क्या हुआ जाओ। अब ये वाली एनर्जी अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जाओ। इसको डिवाइड कर देंगे जो आपने जाओ में एनर्जी ली है 1.6 × 10⁻¹⁹ से, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी 28.2 MeV। ये हमारे पास हीलियम के केस में बाइंडिंग एनर्जी आई है, अगर हम इस हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन निकालना चाहेंगे तो हमारे पास जितना इसका एटॉमिक मास है यानी इसमें कितने आपके पास प्रोटॉन है दो, दो ही इसमें क्या है हमारे पास न्यूट्रॉन है यानी टोटल तादाद चार हुई, उसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन आएगी 7.05 MeV। यहाँ पे जो हमने ग्राफ बनाया है ये हमने बनाया है बिटवीन न्यूट्रॉन नंबर्स एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन। इसमें आपके लिए एक एमसीक्यू के लिए इन्फॉर्मेशन की एक चीज याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है प्रोटियम, हमें पता है कि उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो हम पर न्यूट्रॉन कंसिडर करते हैं दैट वुड बी जीरो। यहाँ पे ड्यूटेरियम ट्रिटियम सारे आइसोटोप्स के अगेंस्ट एनर्जी आ रही है, तो हीलियम फोर पे जाके अभी हमने देखा कि सेज दैट के 7.05 यहाँ पे गई, और ये ट्रेंड चलता चलता जब आयरन तक पहुंचा आयरन 56 आयरन का 58 वहां पे हमारे पास हम देख सकते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी है दैट इज मैक्सिमम अबाउट 8.8 MeV। अब अगर इनकी बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम आ गई है इट मींस ये मोस्ट स्टेबल है, तो ये जो आपको रीजन शो किया गया है यहाँ पे आप कर्व भी देख सकते हैं कि समहाउ स्ट्रेट है, यहाँ पे जो इस रीजन में पार्टिकल्स एलिमेंट्स लाई करेंगे वो हमारे पास तमाम एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा क्या होंगे स्टेबल होंगे, और फिर आगे को जाते जाते जब हम जैसे ही हमारे पास ज्यादा तादाद हो जाएगी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की हैवी एलिमेंट्स में फिर से हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी कम होगी, और यूरेनियम तक की N238 92 आइसोटोप तक दैट विल बी 7.6 MeV। तो ये था हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन नंबर के दरमियान रिलेशनशिप। यहाँ पे एक छोटा सा एमसीक्यू है समहाउ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है, वो क्या है आपने साबित करना है कि जो वन एटॉमिक मास यूनिट है इतना मास हमारे पास हो तो हमें कितनी एनर्जी दे सकता है, वो हमें एनर्जी दे सकता है 931 MeV। इसको कैसे फाइंड करेंगे E=mc² से, यहाँ पे मास पुट करें 1.6 × 10⁻²⁷ होता है ना, और ये आपके पास सी का स्केयर है 3 × 8 का स्केयर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो एनर्जी आएगी वो आएगी 931 MeV। यानी हमने इसे क्या सीखा कि अगर हमारे पास वन एटॉमिक मास यूनिट मास हो तो दैट कुड बी इक्विवेलेंट टू 931 MeV। तो दैट्स ऑल अबाउट बाइंडिंग एनर्जी एंड मास इफेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रेडियोएक्टिविटी के बारे में स्टडी करेंगे।